अब आगे बढ़ो है, एग्जाम में बोल दो ना अब मैडम ने आगे बढ़ाओ क्यों कराओ हजुर ओके ओके बड़ा उन्होंने आगे बढ़ा उन्होंने ला ओके यो मेरा दीजिए ना ला बस अबे यार रे कोरियन भाषा का जम्मत 40 होड़ा अच्छे लगते हैं ना बिल्कुल 40 होड़ा अच्छे लगते हैं ना अब शुरू में हमने पढ़ने वाले बस सिंगल कंसोनेंट है सिंगल कंसोनेंट तपाईँको 14 वटा रहेका छन् है पहिले सिंगल कंसोनेंट भनेको तपाईँको साधारण व्यञ्जन अथवा एकल व्यञ्जन है सिम्पल व्यञ्जन सिम्पल कंसोनेंट पनि भन्छ सिंगल कंसोनेंट पनि भन्छ है यसलाई ल लेख्नुहोस् है यता माथिबाट लेख्नुहोस् ल सिंगल कन्सोनेन्ट तपाईँको 14 वटा रहेको छ है 14 वटा एकल व्यञ्जन भन्छ है यसलाई एकल व्यञ्जन है ल एकल व्यञ्जन है ल यो सेभेन जस्तो इङ्ग्लिस सेभेन जस्तोमा यसलाई ग भन्छ है ग यो भनेको आदि अक्षर है आदि ग अनि एल जस्तोलाई न भन्छ है यस्तो न न है यो भनेको द है यो भनेको आदि आदि अक्षर है यो भनेको र है यस्तो प्रकारका जस्तो तपाईँको म है यो चाहिँ ब है लेख्नु उल्टो वाई जस्तो चाहिँ तपाईँको स हुन्छ है यस्तो स पातलो वाला स है अनि गोलो यस्तो गरिदिने यता हेर्नु त गोलो गरिदिने यस्तो यो चाहिँ अ भन्ने है अ अनि त्यसपछि योलाई चाहिँ ज भन्ने है अनि यस्तै लेख्ने सेम माथि यस्तो गरिदिने यसलाई चाहिँ छ भनिन्छ है अनि तपाईँको यस्तो गर्ने अनि सेम जस्तो यसलाई चाहिँ ख भन्ने है ख अब यस्तो गर्ने यसलाई चाहिँ है अनि यस्तो गोलो गरिदिने अनि यस्तो गर्ने यसलाई चाहिँ भन्ने है ल है यस्तो गर्ने यसलाई चाहिँ अ
জ ছ খ খ খ হ সজল সাল। লা অবয় চাই সিঙ্গল কনসোনেন্ট হয়, সিঙ্গল কনসোনেন্ট একল ব্যঞ্জন হল তো 14টা চাই ভয় হয় 14টা। अब त्यसपछि तपाईँको आयो ल, अब चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट पढ्छ है, एम चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट 5 वटा रहेको छ है। ल यो बेटा दिन्छु ल, ডবল কনসোনেন্ট হয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন হয়। ব্যঞ্জন সংযুক্ত ব্যঞ্জন তপাইঁকো 5 টা রয়েছে হয়। ল এটা ক দুইটা এসকো গ দুইটা ক মিলাও ভালো ইয়া চাই ক আদি ক বন্ধ হয় ইয়া চাই ক। পয়লা আমি এটালাই চাই গ পড়েকো থিও, আবার দুইটা ভয় ভালো ক হুনছ হয়। আবার ইয়ালাই চাই দ এটালাই দুইটা মিলাও ভালো ত হুনছ হয়। এটা ভয় গ দুইটা ভয় ভালো প হুনছ হয়। यो दुईटा यो स एउटा स अनि यो दुईटा स ठुलो वाला स बनाउनुपर्छ है। अनि एउटा चाहिँ ज हुन्छ, दुईटा भयो भने च हुन्छ है यो स्टेटमा। ल ल बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ कि छैन, बुझ्नु भएको छ भएको छैन भने सोध्नु होला है। ल साथीहरू, कोरियन लिपिलाई के भन्ने रहेछ? कोरियन लिपिलाई के भनिने रहेछ? बोल्नु हुन्न त लीलाकान्त जी, हजुर सर। अनि कोरियन लिपिलाई के भनिने रहेछ? थाहा भयो नि सर। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार नेपाली हजुर सर, हजुर के बुझिराख्नु भएको छ छैन? म चाहिँ भर्खर जोइन भएको छु, बुझ्दैछु। जस के पढ्नु हो, के लेखाएँ मैले अहिले? क अन्त प होइन देखिरहनु भएको छ। होइन ग न द र ग न द र क क हो यो त ट होइन त क त पर्छ त भने चाहिँ यो क त पर्छ छ। दुईटा ग आयो भने क हुन्छ डबल कन्सोनेन्टमा, दुईटा द दुईटा द आयो भने द उच्चारण हुन्छ, दुईटा ब आयो भने प, दुईटा स आयो भने मोटोवाला स हुन्छ, दुईटा ज आयो भने च हुन्छ है। अगाडिको लेख्नु भएन तपाईँले, हजुर, अगाडि लेखाएको लेख्नु भयो कि भएन? म भर्खरै जोइन भएको थिएँ सर, भर्खर लिङ आइरहेको थियो। अनि कोरियन यो लिपिलाई के भनिरहेछ? हानगुल भनिन्छ है, हानगुल। ल रेकर्डिङ भिडियो पनि पठाइदिन्छु तपाईँलाई, म फोटो खिचेर पनि पठाइदिन्छु है। ल हुन्छ, है। ओके ओके।
7 দেখে 8 ক্লাস বল স্যার। আসলে ক্লাস এত নাই করো কি অমন তেরে পড়ে যখন অতপার না কনফিউজ হয়ে যায়। স্যার আজ 7 দেখে 8 ক্লাস হয়নি স্যার, হাজার 7 দেখে 8 ক্লাস হয়নি স্যার আজ। কি বলবো বলি জোরে বলো না শুনে না মাইলে। স্যার 7 দেখে 8 ক্লাস আজ ভয় কি না হাজার স্যার, 7 বাজে দিয়ে 8 বাজে সময় ক্লাস ছিল ভয় কি না।